आदरी हो गई यात्रा के दौरान ना जाने कितने पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों पर मैं गया हूँ। सबकी अपनी अपनी कहानी, सबकी अपनी अपनी छटा है, लेकिन आज मैं हूँ मध्य प्रदेश के आगर जिले के नलकेड़ा तहसील में। जी हाँ, मैं हूँ माँ बगलामुखी के पीताम्बरा पीठ में। कहा जाता है कि एक साथ यहाँ पर तीन देवियाँ बैठी हुई हैं, बीच में बगलामुखी हैं, एक तरफ लक्ष्मी जी हैं और एक तरफ महाभारत काल में जब पांडव को कौरव पर विजय श्री प्राप्त करनी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि तुम इस स्थान पर जाके माँ बगलामुखी की आराधना करो। युधिष्ठिर ने यहाँ पर रह के सालों माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। उसके बाद यहीं पे स्वयंभू प्रकट होकर माँ बगलामुखी ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया था और उसी की वजह से महाभारत जैसे युद्ध में युधिष्ठिर और उसकी सेना की विजय हुई। यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की कहानी और माँ बगलामुखी के चमत्कारों से आपको परिचित करवाते हैं। आइए प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है, उनमें से एक है बगलामुखी। माँ भगवती बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। भारत में माँ बगलामुखी के तीन ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं। इसमें दतिया मध्य प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल में तथा नलखेड़ा मध्य प्रदेश में, जिन्हें सिद्धपीठ कहा जाता है। तीन मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का यह मंदिर जिला आगर मालवा की तहसील नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। ऐसी मान्यता है कि मध्य में माँ बगलामुखी हैं, दाईं तरफ माँ लक्ष्मी हैं और बाईं तरफ माँ सरस्वती हैं। बगलामुखी मंदिर का जितना महत्व है उतना ही महत्व इस नदी का भी है। इस नदी का महत्व इसलिए है कि माँ बगलामुखी इसके किनारे पर विराजित है। कौरव पांडव जब वनवास में गए थे तो यहाँ से श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर ने यहाँ पर भी अनुष्ठान हवन पूजन यहाँ पे किए थे। तब से यहाँ पर सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सिद्ध पीठ है ये, मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित है। इस मंदिर के चारों तरफ शमशान स्थित है और पीछे लक्ष्मण नाम की नदी है, इसका नाम अब लखुंदर नाम से जाना जाता है। साथ हैं पंडित राम बाबू ददीच जी। ददीच जी, माँ के चमत्कार आए जो सुनने को मिलते हैं, देश की प्रमुख हस्तियाँ भी यहाँ पर आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी यहाँ पर हवन हुआ, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भी यहाँ हुआ, शिवराज सिंह चौहान के लिए भी यहाँ पर हुआ। आखिर क्या है इस शक्ति की? तीन देवी दाई और लक्ष्मी जी, बाई और सरस्वती, बीच में बगलामुखी। तीनों देवी के कार्य नाम लक्ष्मी जी का काम है धन का भंडार होना, सरस्वती का काम है बुद्धि का भंडार होना, बगलामुखी का काम है कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो, किसी को शादी का मौका हो, किसी को संतान नहीं हो रही हो, किसी शत्रु ने परेशान कर रखा हो, धंधा व्यापार रुका हुआ हो, या कोई चुनाव में टिकट प्राप्ति के लिए, ये प्राप्ति के लिए हवन भी होते हैं। त्रिशक्ति माँ का मंदिर भारत में और कहीं नहीं है। द्वापर युगीन यह मंदिर अत्यंत चमत्कारिक है। यहाँ देश भर से शैव और शक्ति मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। माँ भगवती बगलामुखी का यह मंदिर बीच शमशान में बना हुआ है। देश के कई बड़े दिग्गज नेता अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और संकट से रक्षा के लिए पूजा पाठ और अनुष्ठान कराने आते हैं। आम जन भी अपनी मनोकामना पूरी करने या किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ हवन और पूजा करवाते हैं। नेता विधायक सभी लोग आते हैं, हम किन 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 ख्याल रखते हैं, जो हमारे यजमान हमारे पास आते हैं उसका कार्य करते हैं। स्वाहा।
इस मंदिर परिसर में माता बगलामुखी के अतिरिक्त माता लक्ष्मी, कृष्ण, हनुमान, भैरव तथा सरस्वती भी विराजमान हैं। इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने की थी। मान्यता यह भी है कि यहाँ की बगलामुखी प्रतिमा स्वयंभू है। इस मंदिर में बिल्व, पत्र, चंपा एवं पीपल के वृक्ष एक साथ स्थित हैं। और कौन कौन से पेड़ हैं परिसर में, क्या है? नीम है, पीपल है, चंपा है, आंवला है, सारे चंपा स्थित है। कम से कम 300-400 वर्ष पुरानी बात। मंदिर परिसर में 16 खंभों वाला सभा मंडप है, जो 252 साल पहले संवत 1816 में पंडित इबूजी दक्षिणी कारीगर श्री तुलाराम ने बनवाया था। मंदिर के ठीक सम्मुख लगभग 80 फीट ऊंची दीप मालिका है। कहा जाता है इसका निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। मुख्य द्वार के रूप में सिंह खुद विराजित हैं, जो अद्वितीय है। यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु आते हैं, जिनकी अपनी श्रद्धा है, अपनी मांग है माँ के दर पर। आइए बात करते हैं। क्या मांग है? वही मांगे कि माता रानी हमें जीवन भर खुशी रखे और दुनिया को खुशी रखे। और इससे पहले भी आप आ चुके हैं माँ के दर? बिल्कुल आ चुके हैं। एक बार जो मांगा है वो पाया है, जो मांगा वो पाया है। और जो मांगे यहाँ पे, जो सच्ची आत्मा से जो मांगता है बिल्कुल मिलता है। जयकारा लगाकर जाएंगे सर? बिल्कुल जयकारा लगाकर जाएंगे। माँ के मंदिर में जो कोई भी आया है उसने अपनी अरज लगाई है, तो माँ ने उसकी अरज पूरी की है। माँ की लीला ऐसी है कि जो भी भक्त माँ के मंदिर में आया है उसने अपने शत्रुओं पर विजय जरूर पाई है। संकट हरने वाली माँ बगलामुखी का यह स्थान चमत्कारिक है। माँ को प्रणाम है। माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। माँ बगलामुखी का पूरा आचरण ही ऐसा है, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद ही ऐसा है कि जो भी इस दर पर आया है, वो राजा युधिष्ठिर हो या उसके बाद आने वाले लोग, वो यहाँ पे अपनी मुरादों को पूरा करके जरूर गए। माँ ने किसी को भी खाली हाथ इस दर से नहीं भेजा। दूर दूर से माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर भक्त आते हैं और अलग अलग तरीके की उनकी मन्नतें होती हैं और सबके दिलों में सिर्फ एक आस होती है कि माँ उन्हें इस बार भी निराश अपने दर से नहीं जाने देंगे। जय हो माता रानी। जो भी तमन्ना लेके आता पूरी होती है यहाँ, सबकी होती है, सबकी हो सकती है। ठीक, बोलो साचे दरबार की जय।